अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या है मेरे भाई, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और वायरल टॉपिक है। अगर कसम खा के कहता हूँ, अगर आपने इस टॉपिक पे अमल किया तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको 101% कहता हूँ। अभी कुछ लोग कमेंट्स में आएंगे, बोलेंगे भाई आप खुद क्यों काम नहीं करते। भाई हमारा ऑलरेडी 2 चैनल्स हैं जिस पे हम काम करते हैं। खुद ही मैं एक बंदा अकेला उसको हैंडल करता हूँ, एडिटिंग वगैरह, थंबनेल वगैरह, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत चीज़ें जो है उनको मैनेज करना पड़ता है, तो हमें टाइम नहीं मिलता। तो हमारा टेक का चैनल है, तो हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को सीखें, आप उन चीज़ों को फॉलो करें। आप 101% आपको उसका रिजल्ट ना मिले तो आप मेरे कमेंट में आए और मुझे गालियाँ दें, कुछ भी करें, डिसलाइक करें, को अनसब्सक्राइब भी करके आप बेशक चले जा सकते हैं। तो अगर ये प्रोसेस को अगर आपने फॉलो किया तो ये प्रोसेस हमारा फॉलो, इस पर एक क्यूट बेबी जो चाइनीज लिटल बेबी है उसके ऊपर आपने वीडियो बनानी है। तो मैंने यूएसए अकाउंट वाला बनाया हुआ है, तो उसको आप यूएसए टिकटॉक अकाउंट बनाएं तो उसके ऊपर ये कंटेंट शेयर करें। बस शेयर किस तरीके से करना है और किस तरीके से वीडियो एडिट करनी है, किस तरीके से पिक्स लेनी है, उसको वीडियो में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके ऊपर लोगो कैसे लगाना है, अपना A to Z एक भी पॉइंट को आपको जो है स्किप नहीं करना है। अगर आपने उस पॉइंट को स्किप किया तो उसके फिर जिम्मेवार मैं नहीं, मैं उसकी फिर गारंटी नहीं लेता। अगर आपने मेरे कहने के ऊपर जो आपने टॉपिक के ऊपर जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जो मैं करूँगा प्रोसेस, आपने स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को जो है वो सीखना है। तो किस तरीके से मैं एडिट कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं उसके ऊपर लोगो लगा रहा हूँ और किस तरीके से उसको जूम आउट कर रहा हूँ और किस तरीके से उसको पीछे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको कंटेंट में जो है रीयूज मोनेटाइज के वक्त जो टाइम जो है वो आपको जो है उसमें वो ईमेल ना आए, तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और आपके मिलियंस में भी आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल प्रूफ के तौर पर मैं आपको ये चैनल दिखा रहा हूँ, ये चैनल को आप चेक करें और इसमें देखें कितने मिलियंस में व्यूज हैं। ये देखें इतनी मिलियंस में, ये सिर्फ इस बेबीज की वजह से जो है वो वायरल हुआ है। और इसकी अपनी वीडियोस देखें उसमें इतने व्यूज नहीं होंगे जिसके इतने बेस में मॉक बेबी में जो है वो इसके व्यूज हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना चैनल बनाना है, इसी तरीके से मैं आपको वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा। उस वीडियो को आप जो है इंस्टाग्राम रील्स में भी वायरल कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी वायरल कर सकते हैं और टिकटॉक में भी वायरल कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैं करूँगा तो आपको उस प्रोसेस को जो है फॉलो करना है। मैंने दिखा दिया कि इस भाई का चैनल कितना मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो वीडियो की जानिब चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा प्यार सा कमेंट कर दें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले जो है आपको जो है प्ले स्टोर में आना है, प्ले स्टोर में आके सर्च बार में जाना है, सर्च बार में जाके फिर आपको यहाँ सर्च करना है इमेज सर्च मैन, ये आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको फिर जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो उसको फिर मैं जो है ओपन करता हूँ। इसको ओपन करके ये हो गया, डन हो गया। उसके बाद फिर जो है इसको कर देंगे ओपन, अगेन इसको ओपन कर देंगे, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने जो है लिटल मोंक सो क्यूट, सही है, इस तरीके से जो है आपने वो सर्च करना है, यूँ सर्च करना है। फिर यहाँ से आपके जो मोटू की जो है वो आपके पास आ जाएंगी पिक्स, तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद जो है आपने कोई सी भी अच्छी सी पिक्स जो है इसकी यहाँ से उठा लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये उठा लेता हूँ, उठा के यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, सही है। उसके बाद फिर जो है कौन सी पिक ये लेनी है पिक, तो ये यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सी लेते हैं, नेक्स्ट ये क्रैंक बेबी वाली, ये वाली रहती है, ये भी हो गया सो क्यूट। और ये भी ले लेते हैं, सॉरी इस पे कुछ लिखा हुआ इसको छोड़ देते हैं, कौन सी लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये हो गया डाउनलोड। इस तरीके से मतलब जो आपको फिल्टर करके अब जिस पे कुछ लिखा ना हो बैकग्राउंड पे वो वाली आपको जो है तस्वीरें ले लेनी है। यहाँ से लेके फिर आपको जो है यहाँ पे आना है फिर से अगेन प्ले स्टोर पे, फिर यहाँ पे आपको आना है काइन मास्टर पे, सही है, ये आप आ गए काइन मास्टर पे, सही है। यहाँ पे काइन मास्टर पे आके फिर उसके बाद जो है आपको जाना है बैक, सर्च मेन वाला जो इमेज मेन है वो भी हो गया डाउनलोड, और उसके बाद जो है काइन मास्टर हो गया डाउनलोड और सर्च मेन से हमने उसकी जो पिक्चर जो है छोटे बच्चे की वो भी हमने जो है उसकी यहाँ से उठा ली, डाउनलोड कर ली। तो उसके बाद फिर हम काइन मास्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओके कर देंगे जी। फिर ये काइन मास्टर पे आके फिर इस तरीके आपको इंटरफेस शो होगा। फिर आपको जो है किस लिए बनानी है, तो हमें बनानी है
शॉर्ट्स के लिए 9:16 जो होता है वो शॉर्ट्स का रेशो होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, उसको अलाउ कर देंगे और उसको यूं करके यू कर देंगे मोबाइल को। उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे वो करेंगे सेलेक्ट, इस पिक्चर को एक को कर लिया, ये दूसरी को कर लिया, ये तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी, पांच पिक्चर जो हम पूरी कर लेते हैं। फिर उसको कैंसिल पे क्लिक करेंगे, इस तरीके के ये जो है पिक्चर्स जो है वो आ गई। सही वजह यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सही है, फिर उसको यूँ यहाँ पे साइड पे आना है, फिर साइड पे आके फिर आपको जो है यूँ उसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है पेन एंड जूम पे, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर पेन एंड जूम के क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे ये दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, स्टार्ट पोजिशन एंड पोजिशन। यहाँ पे बीच में इक्वल टू का आइकन बना होगा, वहाँ पे जो है आपको जो है क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सही है, इसको फिर हम जो है एडजस्ट करेंगे यहाँ पे जो है, इसको फिर यूँ एडजस्ट करते हैं इसको। ये काइन मास्टर वाला जो आइकन है ये किस तरीके से जाएगा, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जो है यहाँ से मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। फिर वो जो काइन मास्टर जो ऐप जो होता है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आइकन ये लोगो जो है काइन मास्टर का नहीं आएगा। इस तरीके से जो है ये करनी है। फिर नेक्स्ट पे इमेज पे आते हैं, नेक्स्ट इमेज को भी इस तरीके सेम टू सेम करना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये हो गया, फिर थर्ड इमेज पे आते हैं, फिर अगेन इसको क्लिक करते हैं इस तरीके से, फिर फोर्थ इमेज पे आते हैं, यहाँ पे आके इस तरीके से इसको क्लिक करना है। उसके बाद फिर हम बैक जाएंगे, फिर पांचवी इमेज को जो है वो भी हम इसको इसकी तरह यूं सेलेक्ट करेंगे इसकी तरह। सही है, ये हो गया यहाँ पे सेलेक्ट। सही है, इन सबको जो है सिलेक्शन करने के बाद जो है आपने फिर आ जाना है बैक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको जो है फिर से यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांजिशन कौन सी लगाएं। यहाँ पे आपको अच्छी सी जो है वहाँ पे ट्रांजिशन लगानी है इस तरीके से, इस तरीके से लगाएं, या फिर आपने कोई से भी मतलब अपने चॉइस वाली जो है वो आपने यहाँ पे अपनी ट्रांजिशन लगानी है इस तरीके से लगा दें, मतलब अच्छी से लगा दें। हाँ ये वाली सही है, ये वाली हम लगा देते हैं यहाँ पे। फिर अगेन इस पे आते हैं, फिर यहाँ पे भी हम सेम टू सेम वही लगाते हैं। तो ये हमने जो है यहाँ पे सारी ट्रांजिशन जो है यहाँ पे हमने लगा दिए। सही है, उसके बाद जो है हमने फिर ब्रेक आना है, यहाँ पे ये चेक करें, यहाँ पे इस तरीके से जो है ये ऐसे ऐप्स आएंगे। ट्रांजिशन जो है आपने अपने तरीके से लगानी है, अच्छे तरीके से लगानी है, कौन सी अच्छी लगे आपको वो लगानी है। सही है, वो लगा के उसके बाद जो है आपको फिर यूं ब्रेक आना है। अभी बात करेंगे हम कि यहाँ पे रीयूज कॉन्टेंट ना है उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए जो है आपने यहाँ पे आना है, लेयर पे आना है, लेयर पे आके फिर आपको करना है मीडिया पे क्लिक। मीडिया पे क्लिक करके फिर आपको यहाँ से अपने चैनल का कोई सा भी जो लोगो होगा आपको वो ले लेना है। फॉर एग्जांपल हम रैंडमली पिक्चर कोई ले लेते हैं, कोई सी भी रैंडम पिक्चर ले लेते हैं, लोगो चैनल का लोगो तो नहीं है। इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको यूँ क्लिक करके फिर इसको जो है हम इसको हम यूँ क्लिक करेंगे, फिर इसको जो है AI स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं इसको, सॉरी AI में। तो अभी बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो है सब लोगों ने ये चीजें लगाई है तो इस पे तो रीयूज कंटेंट आएगा, तो रीयूज कंटेंट ना है तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको अपने चैनल का लोगो लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है, फिर आपको यहाँ पे आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, सॉरी स्क्रॉल डाउन नहीं करना, आपको लेयर पे आना है। लेयर पे आके आपको इमेज को सर्च कर, इमेज को लगाना है, कोई सी फॉर एग्जाम्पल किसी अपने चैनल की थंबनेल का मतलब कोई थंबनेल लगा दिया है तो आपको अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं निशानी के तौर पर। तो फॉर एग्जाम्पल हम थंबनेल लगाते हैं यहाँ पे यूज करते हैं इसको, उसके बाद फिर इसको यूं करते हुए नीचे आना है, फिर नीचे आके फिर आपको क्रॉपिंग भी क्लिक करना है, फिर उसके बाद इसको मास्क को करना है ऑन, ऑन करके फिर आपको क्लिक करना है शेप पे, शेप पे क्लिक करके फिर आपको करना है सर्कल पे क्लिक, सर्कल पे क्लिक करके फिर आप यहाँ से चेक करें कि ये हो गया सर्कल में। सही है, इस तरीके से ये कुछ कोई सा भी आप अपना आइकन लोगो जो है किसी तरीके से भी बना सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप इस तरीके से बनाएं, या सर्कल में बनाएं आपकी मर्जी है। यूँ छोटा सा करके फिर आपको जो है यहाँ पे यूँ साइड में या कहीं पे भी आप जो इसको लगा सकते हैं, यहाँ साइड में करके जो है आप इसको यूँ लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा अपना नॉर्मल तरीके से आपको अपना यहाँ पे वॉइस ओवर करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करके ओनली दिस टाइम
तरीके से अब ये चेक करें, ये मैंने जो है वॉइस रिकॉर्ड कर दी हल्का सा, मतलब इसको बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम दे के ना उसको यहाँ पे यूं क्लिक कर देना है। उसके बाद हम बैक जाएंगे, फिर इसको जो है हम इसको चला के चेक करते हैं। कार्ड पे क्लिक करना है, हेलो ये है मॉम और ये रो रहा है। तो इस तरीके की जो है आपके पास वीडियो बन जाएगी, और ये इतनी वायरल वीडियो, इतनी वायरल वीडियो जिसकी मैं इंतहा भी नहीं आपको बता सकता कि कितनी वायरल वीडियो बेबी की जा रही है। तो अगर आप इस तरीके से इसको जो है करेंगे तो एडिट करके और उसको लोगो लगा कर उसमें कैप्शन करके और अपना थोड़ा नीचे से वॉइस ओवर करके नॉर्मल वॉल्यूम पे रख के, फिर आपको जो उम्मीद करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी वीडियो वायरल जाएगी और 101% आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा अगर मेरे स्टेप पे आपने फॉलो किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।